गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था एनेस्थीसिया के बारे में, एनेस्थीसिया के टाइप के बारे, एनेस्थीसिया के फेज के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या है? पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग इज द नर्सिंग केयर गिवन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। इट मीन्स एक पेशेंट जिसकी सर्जरी होनी है, उस पेशेंट की सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद का जो पीरियड है वो पूरा कंप्लीट पीरियड कहलाता है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। इट मीन अगर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग जो है वो थ्री फेज में डिवाइडेड हो गया, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेशन से पहले का पीरियड, इंट्रा ऑपरेटिंग यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन के बाद का पीरियड है। इस दौरान जो हमने उसको नर्सिंग केयर दी है पेशेंट को, वो कंप्लीट जो नर्सिंग केयर है वो है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर आती है। तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तीन फेज हो गए, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेज। तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग हैज थ्री फेजेस, प्री ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव फेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव, या प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग क्या हुआ? इट इज़ द टाइम पीरियड दैट बिगिंस व्हेन द डिसीजन इज मेड फॉर सर्जरी अंटिल द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेशन थिएटर ओटी। इट मीन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग हो गया ऑपरेशन से पहले, ये डिसीजन सर्जन ने लिया कि इस पेशेंट का ऑपरेशन होना है, तब से लेकर उसका ओटी में ट्रांसफर तक का जो पीरियड है वो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग हो गया। अभी आप ये समझ गए कि पेशेंट जब वार्ड में एडमिट हुआ, तब से लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन से लेकर उसके सर्जिकल पार्ट प्रिपरेशन से लेकर, ठीक है, उसका रिटर्न कंसेंट से लेकर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री, सब कुछ जो पीरियड आ गया वो आ गया प्री ऑपरेटिव फेज में। यानी कि आप ये मान के चलो अगर पेशेंट है, अगर वार्ड में एडमिट है, तो वो हो गया प्री ऑपरेटिव फेज। वहाँ से जब वो ओटी में शिफ्ट हुआ तो वो हो गया इंट्रा ऑपरेटिव फेज। यानी ओटी में इंटर जो पेशेंट करता है वो पीरियड हो गया उसका इंट्रा ऑपरेटिव फेज। तो वहाँ की जो भी प्रिपरेशन है सर्जरी के दौरान, जो भी नर्सिंग केयर है वो इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर आ गई। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जैसे ही पेशेंट ओटी से रिकवरी में शिफ्ट होगा तो ओटी के जस्ट बाद का जो पीरियड हो गया वो हो गया एक तरह से पोस्ट ऑपरेटिव फेज या पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। उसमें अपन जो पेशेंट को रिकवरी रूम के अंदर जो भी नर्सिंग केयर देंगे, तब से लेकर उसके डिस्चार्ज तक का जो पीरियड है वो हो गया पोस्ट ऑपरेटिव फेज। ये है पोस्ट ऑपरेटिव फेज। यहाँ आज हम बात करेंगे जो प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, जो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है वो अपन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर अपन स्टडी करेंगे। आज हम बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी क्या है और सर्जरी के टाइप्स क्या है? सर्जरी इज ए प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व कटिंग ऑफ पेशेंट्स टिश्यू और क्लोजर ऑफ ए प्रीवियसली सस्टेन्ड वुंड। ओके, या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं, सर्जरी इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी बाय इंसिजन, बाय मैनिपुलेशन और स्पेशली विद इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, सर्जरी इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी बाय इंसिजन और मैनिपुलेशन स्पेशली विद इंस्ट्रूमेंटेशन विद एनेस्थीसिया। यू कैन ऐड हियर विद एनेस्थीसिया और विदाउट एनेस्थीसिया। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, सर्जरी इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी बाय इंसिजन, मैनिपुलेशन स्पेशली विद इंस्ट्रूमेंटेशन विद और विदाउट एनेस्थीसिया। एंड नाउ टाइप्स ऑफ सर्जरी। सर्जिकल प्रोसीजर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सर्जरीज अर्जेंसी, ऑपरेशनल रिस्क और सर्जरी का पर्पज। यानी सर्जरी की पेशेंट को कितनी जल्दी जरूरत है, कितनी ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है। सर्जरी की रिस्क पे, कितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, और आपकी सर्जरी का पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग सर्जरी के टाइप्स है। अब सबसे पहले सर्जरी की बेस्ट ऑन सर्जरी टाइप, बेस्ट ऑन अर्जेंसी। यानी सर्जरी की अर्जेंसी पे अगर अपन क्लासिफाइड करें तो वो का इलेक्टिव सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी एंड एमरजेंसी सर्जरी। अब इलेक्टिव सर्जरी क्या है? इट इज़ ए प्रोसीजर दैट इज प्री प्लान्ड एंड बेस्ट ऑन पेशेंट चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द शेड्यूलिंग फॉर द पेशेंट, सर्जन एंड फैसिलिटी। इन इलेक्टिव सर्जरी डिले ऑफ द सर्जरी हैज नो इल इफेक्ट ऑन पेशेंट। इलेक्टिव सर्जरी, अब इलेक्टिव सर्जरी
अर्जेंसी के दौरान सर्जरी होगी इलेक्ट्रिक अर्जेंट और एमरजेंसी। अब इलेक्ट्रिक सर्जरी क्या है? इलेक्ट्रिक सर्जरी है, ये प्री प्लान्ड है और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कब ऑपरेशन कराना चाहता है, ये डिपेंड करता है कि ओटी में कब उसका टाइम कब उसको ओटी मिलती है, डिपेंड करता है कि पेशेंट सर्जन की अवेलेबिलिटी और फैसिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये इलेक्टिव सर्जरी होगी। यानी अपन ये एक तरह से इलेक्टिव सर्जरी होगी प्री प्लान्ड। अब इसके अंदर अगर पेशेंट अगर डिले कर देता है तो उसकी लाइफ पे कोई इल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें हर्निया रिपेयर की। अब हर्निया रिपेयर है, हर्नियोप्लास्टी पेशेंट को करवाना है, तो इसका अगर वो डिले करता है तो पेशेंट की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। वो उसको प्लान कर सकता है महीने दो महीने में, 10-15 दिन में, जब भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट एक्सरेशन, पेशेंट को मोतियाबिंद है, अब उसको लेंस लगवा रहा है, अब वो एक महीने में लगाए 15 महीने में लगाए, वो उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है और फैसिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका ऑपरेशन कितने दिन में आ रहा है, ठीक है। ये होगी इलेक्टिव सर्जरी। इसके बाद है अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी ये हुई कि इट मस्ट बी डन विद इन रीजनेबली शॉर्ट टाइम फ्रेम टू प्रिजर्व हेल्थ, यूजली डन विद इन 24 to 48 hours। इट मीन्स अर्जेंट सर्जरी मस्ट बी परफॉर्म विद इन 24 to 48 hours। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, एम्पुटेशन एंड अपेंडेक्टोमी। इट मीन्स दीज आर अर्जेंट सर्जरी एंड मस्ट बी परफॉर्म विद इन 24 to 48 hours टू प्रिजर्व लाइफ ऑफ पेशेंट। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, इट मीन्स जितनी जल्दी एम्पुटेशन हो या गॉल ब्लैडर हो, उसको रिमूव करना हो या अपेंडिक्स को रिमूव करना हो, वो विद इन 24 आवर उसको कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप देर करोगे तो पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये अर्जेंट सर्जरी विद इन 24 आवर। एक ट्रॉमेटिक पेशेंट है जिसके क्रशिंग इंजरी है, तो उसका जो एम्पुटेशन है आप 24 आवर तक तो पोस्टपोन कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो पेशेंट के गैंग्रीन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट का एम्पुटेशन जो विद इन 24 आवर से पहले पहले, जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी फ़ायदा है, लेकिन 24 आवर से आप उसको लेट ना करें, वो है अर्जेंट सर्जरी। नेक्स्ट है एमरजेंसी सर्जरी। इट मीन इट मस्ट बी डन इमीडिएटली टू परफॉर्म टू प्रिजर्व लाइफ ए बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन। इट मीन एमरजेंसी सर्जरी की जिसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको परफॉर्म करना है टू प्रिजर्व लाइफ ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, उसको ट्रोमा हुआ है, परफोरेटेड अल्सर है, इंटेस्टाइनल ऑब्सेक्शन है, ब्रेन हेमरेज है, उसको हेड इंजरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट की जो इमरजेंसी जो सर्जरी है वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्जरी के जो टाइप है अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी 3 types हो गए, अर्जेंट सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी एंड इमरजेंसी सर्जरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रिस्क। अगर रिस्क की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सर्जरी कितने टाइप्स है, उसकी मेजर सर्जरी एंड माइनर सर्जरी। अब मेजर सर्जरी में देखिए, मेजर सर्जरी क्योंकि मेजर सर्जरी है तो लाइफ का रिस्क ज़्यादा है, माइनर सर्जरी है तो शॉर्ट पीरियड की होगी, एनेस्थीसिया हो सकता है, लोकल एनेस्थीसिया में उसको परफॉर्म करें तो उसमें लाइफ रिस्क कम होगा। मेजर सर्जरी रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड स्पेशलाइज केयर, यूजली प्रोलॉन्ग्ड, देर इज हाई रिस्क ऑफ लाइफ, इन्वॉल्व मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड देर इज ए ग्रेटर रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। मेजर सर्जरी फॉर एग्जाम्पल आप लेप्रोटोमी करवाते हैं, वो मेजर सर्जरी में है जिसके अंदर एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ी, टोटल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ट्रेंड पर्सनल की जरूरत है, सर्जरी प्रोलॉन्ग्ड है, तो जिसमें जब जनरल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को परफॉर्म दे रहे हो लगभग वो सारी सर्जरी है वो मेजर सर्जरी के अंदर आती है। इसके अंदर आपको पेशेंट को एनबीएम भी रखना पड़ता है, पेशेंट का प्री एनेस्थेटिक चेकअप भी होता है, पेशेंट की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन भी होती है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो सर्जरी है मेजर सर्जरी के अंदर। माइनर सर्जरी एग्जाम्पल है मेजर सर्जरी के, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, रेडिकल मैस्टेक्टोमी और लेप्रोटोमी, ये मेजर सर्जरी है जिसमें आप देख सकते हो इन सब में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। माइनर सर्जरी, इस माइनर सर्जरी है जब टाइम पीरियड कम होगा, एनेस्थीसिया या तो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाएगा या लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। ये सर्जरी मोस्टली इलेक्टिव सर्जरी होती है, फॉर एग्जाम्पल टीथ एक्सट्रैक्शन हो गया, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो गया, स्टिचिंग होगी, सीबीएसएस सिस्ट रिमूवल हो गया, ये सारा अगर अपन लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं जिसके अंदर ना किसी पीएससी की जरूरत है ना कोई प्रिपरेशन की जरूरत है, ये माइनर सर्जरी है। इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक की भी जरूरत पड़े तो ये माइनर सर्जरी के अंदर आता है। अब डिपेंड ऑन
सर्जरी के टाइप से वो पर्पज़ के अकॉर्डिंग कि सर्जरी आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग सर्जरी को यहाँ पर क्लासीफाइड किया है। वो क्या क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक, एबलेटिव, पेलिएटिव, रिकंस्ट्रक्टिव, ट्रांसप्लांटेशन एंड कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सबसे बात करते हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी, इसमें ये सब सर्जरी करी जाएगी। ये सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। वो सर्जरी हम पेशेंट की जो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ डायग्नोसिस को कंफर्म करें। फॉर एग्जांपल पेशेंट की बायोप्सी ली जाती है, पेशेंट को हो सकता है कि उसको एनल कैंसर हो, तो अगर उस दौरान अगर पेशेंट को सोट जीए देकर हम वहाँ से अगर बायोप्सी ले रहे हैं तो वो सर्जरी डायग्नोस्टिक सर्जरी होगी। पेशेंट की हम ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं तो ब्रोंकोस्कोपी भी ये डायग्नोस्टिक सर्जरी होगी। एंडोस्कोपी, जितनी भी एंडोस्कोपी होती है लगभग सभी हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ से करते हैं कि पेशेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी कर रहे हैं स्टोमक की, अगर मान लो एंडोस्कोपी कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि पेशेंट के कहीं पे कोई अल्सर तो नहीं है, कोई सी ए नहीं है या कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के सिस्टोस्कोपी करते हैं तो उसमें ब्लैडर वॉल देखते हैं, उसमें और कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो वो एंडोस्कोपी के द्वारा, यानी एंडोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं। यानी ये जो सर्जरी हुई ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ से हुई, तो इसको हम कह रहे हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी। दिस इज एबलेटिव सर्जरी, सर्जरी टू रिमूव ए डिजीज पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी अपनी बॉडी का अपने कोई डिजीज पार्ट रिमूव कर रहे हैं तो वो होगी एबलेटिव सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल अपेंडेक्टोमी, एम्पुटेशन, ये एबलेटिव सर्जरी में अपेंडेक्टोमी हो गया, कोलिसिस्टेक्टोमी हो गया, नेफ्रेक्टोमी हो गया, मैस्टेक्टोमी हो गया, एक्टोमी या रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट, तो रिमूवल ऑफ ए डिजीज बॉडी पार्ट ये आएगी एबलेटिव सर्जरी के अंदर। थर्ड है पेलिएटिव सर्जरी, ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, उसकी जो डिजीज़ है उसकी इंटेंसिटी को रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, और डिजीज़ के कारण बॉडी के अंदर जो भी डिफॉर्मिटी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिमूव करने के लिए जो भी सर्जरी की जाती है वो पैलेटिव सर्जरी है। इट मीन इस सर्जरी करने से अपन पेशेंट की डिजीज़ को तो कम नहीं कर सकते लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के कोलन कैंसर है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के हमने को कोलोस्टोमी कर दी। अब कोलोस्टोमी करने से क्या होगा, पेशेंट का जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो सिम्टम्स हैं वो सारे रिमूव हो गए और पेशेंट को रिलीफ मिल गया। इसके अलावा अगर पेशेंट के क्रोनिक पेन की हिस्ट्री है तो अगर नर्व रूट रिसेक्शन करने से अपन पेन रिलीफ कर सकते हैं। पैलेटिव सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, दिस सर्जरी इज परफॉर्म टू रिस्टोर फंक्शन टू ट्रोमेटाइज और माल फंक्शनिंग टिश्यू टू इम्प्रूव सेल कम्स। एक तरह से ये प्लास्टिक सर्जरी हुई, तो प्लास्टिक सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो माल फंक्शनिंग जो भी अपनी बॉडी पार्ट्स हैं, स्किन है, जो भी है, उन सर्जरी को परफॉर्म। फॉर एग्जांपल स्कार रिवीजन, पेशेंट का कोई स्कार हो गया, पुरानी कोई चोट लगी है उससे बहुत गंदा स्कार बन रहा है तो उस स्कार को हम हटा रहे हैं, तो एक तरह से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी है वो सारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आते हैं। इंटरनल फिक्सेशन ऑफ ए फ्रैक्चर, फ्रैक्चर है उसका इंटरनल फिक्सेशन कर रहे हैं तो वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है उस बोन को, तो वो रिकंस्ट्रक्ट सर्जरी में आ गई। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट, पेशेंट का मैस्टेक्टोमी हुई है तो उसका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसको एक तरह से रिकंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं बॉडी पार्ट को, तो ये सारी आ गई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन, जैसे नाम से है पता चल रहा है आपको, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, दिस सर्जरी इज परफॉर्म टू ट्रांसप्लांट ए बॉडी पार्ट और ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और एनी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दिस इज ट्रांसप्लांट सर्जरी। कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, दिस सर्जरी इज परफॉर्म टू रिस्टोर फंक्शंस इन कंजेनाइटल एनोमली। अगर किसी पेशेंट के, किसी बच्चे के अगर कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट है, अगर उसको आप सर्जरी से ठीक कर रहे हो तो वो सब किसके अंदर आएगी, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्लेफ्ट लिप रिपेयर, क्लोजर ऑफ आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट इन हार्ट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर जो है वो अगर आप कर रहे हैं वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, इसमें क्या होता है कि अबनॉर्मल डिफेक्ट होता है लिप्स के अंदर, बच्चे के अंदर इनबॉर्न एरर होता है तो उसको अपन रिपेयर करते हैं, तो वो सारी कंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आ गई। अब हम रिपीट कर लेते हैं, हमने बात की सर्जरी, सर्जरी क्या है, तो सर्जरी इज डिफाइंड एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और डिसऑर्डर ऑफ बॉडी बाय इंसिजन एंड मैनिपुलेशन।
बाई यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन विथ एनेस्थीसिया एंड विदाउट एनेस्थीसिया। उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी को हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, उसकी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग, पर्पज के अकॉर्डिंग। अर्जेंसी में इलेक्टिव सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी एंड एमरजेंसी सर्जरी। रिस्क अकॉर्डिंग सर्जरी को हमने टू सब डिवाइड में किया था, मेजर सर्जरी एंड माइनर सर्जरी। अकॉर्डिंग टू पर्पज, पर्पज के अकॉर्डिंग जो सर्जरी है वो हमने डिवाइड किया, एबलेटिव सर्जरी, डायग्नोस्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पैलियोटिव सर्जरी, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये उसके अकॉर्डिंग टू पर्पज हमने टाइप्स ऑफ सर्जरी। इसका नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। थैंक यू।